गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा था कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम ये ध्यान रखेंगे कि चार्ज किस में है, मोशन में। और चार्ज मोशन में है इसका मतलब वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जब वो मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके आगे ये ड्रिफ्ट वर्ड क्यों लगा है इसको पहले हम ध्यान से समझते हैं। क्या होता है, कोई भी अगर आप मेटल की रोड ले रहे हो, पिछले जैसा ही सर्किट डायग्राम है, ये आपकी एक मेटल रोड है, ये बैटरी है और ये एक स्विच, क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं इसमें, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सके, जो करंट प्रोड्यूस करवा सके, ऐसे एक ही मटेरियल है। साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च के बारे में बताया, वो है मेटल, और मेटल की हमने कोई भी एक रॉड ले ली। अब इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिनके पास थोड़ी हाई एनर्जी होती है एज कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप इन्हें थोड़ा सा और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दो तो ये मूव करने लग जाते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्री होते हैं अपने ऑर्बिट के अराउंड, इनको चक्कर लगाने के लिए ज़्यादा कंपल्शन नहीं होती। जैसे ही ये देखते हैं थोड़ा सा और इन्हें एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है तो उस ऑर्बिट से जंप करके ये बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पहले से ही मूव कर रहे होते हैं। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऑर्बिट में, क्या करता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के अराउंड, पहले से ही वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही आपने इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई इंटू आर, मीन्स आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, मीन्स इस साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही आपने इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये वहाँ मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ऑर्बिट से जंप करके बाहर आ जाएगा और मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ वेलोसिटी उसके पास पहले थी, कुछ वेलोसिटी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से उसे मिल गई, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, क्योंकि वो एक्चुअली में वहाँ मोशन करता हुआ नहीं गया, वो कैसा गया, ड्रिफ्ट करता हुआ गया। इसको हम हिंदी में समझते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। क्या मतलब होता है इसका, खिसकना, खिसकते खिसकते गया। जैसे एक तो वो जा रहा था इस साइड में, इस डायरेक्शन में वो पहले से ही मोशन कर रहा था, उसके पास एक वेलोसिटी पहले से ही थी, लेकिन जैसे ही हमने इस साइड पॉजिटिव दिया तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, वो यहां से यहां ऐसे ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, यूं जाता जाता वो ऐसे मुड़ गया इस डायरेक्शन में। तो ये जो इसकी वेलोसिटी आई, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आती है कि ये आपकी एक वेलोसिटी थी लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी क्या आई है, ये मीन्स यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको मिली होगी, तो वो यहाँ से यहाँ ऐसे खिसक गया, ड्रिफ्ट हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें चार पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया वो बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ इस डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा, इसीलिए इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके बाद इसमें क्या होता है, मेटल में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हुई हैं बोर्ड पे, पहले हमको हम देख लेते हैं और फिर रीड कर लेंगे। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, अराउंड 10^29। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10^29। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है कि कितना वो खिसका, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने सारे हैं, बहुत, 10^29। अगर एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम आ रही है, 10^-5 आ रही है सपोज, लेकिन हैं कितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ओवरऑल इस मटेरियल की, इस मेटल रोड की कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जिसे हम काउंट कर सकते हैं इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अलावा इसमें एक
पहले से एक और जो वेलोसिटी है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी से, और थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है 10^5 मीटर पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो भी एक मटीरियल है, अगर कंडक्टिंग मटीरियल है तो अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे तो कुछ देर बाद वो हीटेड अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते ही सारे एक ही डायरेक्शन में फटाफट मोशन करने लग जाते हैं। और जब वो मोशन कर रहे हैं, चाहे वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे एटम्स और आयन से क्या होते रहते हैं, कोलाइड होते रहते हैं, और इसी बीच में जो उनकी वेलोसिटी है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और उसी वेलोसिटी को हम क्या नाम दे देते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है ये किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती है, हर डायरेक्शन में होती है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ। तो जब हम उसका एवरेज निकालते हैं थर्मल वेलोसिटी का, तो वो हम क्या मानेंगे कि वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो पे इक्वल आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम है, ऊपर से सबकी अलग अलग डायरेक्शन है, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, तो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और, रिलैक्सेशन टाइम, इसके लिए हम समझते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या था, मूव कर रहा था, फ्री था, वो यहां से यहां जा रहा था, सपोज इतने में ही वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, टकराते ही इसकी डायरेक्शन चेंज, फिर वो यहां आया, फिर वो इससे टकरा गया, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, उनके पास स्पेस है, और वो आसपास के दूसरे इलेक्ट्रॉन से, आयन से क्या होते जा रहे हैं, कोलाइड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी हो रही है। तो वही यहां पर वो बोल रहा है कि कुछ टाइम ऐसा है जिसमें वो रिलैक्स है, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, मीन्स जो दो लगातार कोलिजन हुए उनमें उसको कुछ टाइम मिल गया जिसमें वो रिलैक्स रहा, जिसमें वो कोलाइड नहीं कर पाया किसी से। जैसे मान लो एक बार इलेक्ट्रॉन इससे आके कोलाइड हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ आराम से मूव कर रहा था, इतने में किसी दूसरे से कोलाइड हो गया, मीन्स जितनी देर में वो आराम से चला, अपने पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन या कोई भी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम, जब तक वो रिलैक्स रहा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेशन करने के लिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, तो आप समझ गए होंगे, बाकी इसको एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor with average velocity is called drift velocity। यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं क्योंकि हम सभी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, हम एक पूरे मटेरियल के लिए निकालेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जैसे आपके ओवरऑल एवरेज हम मार्क्स निकाल लेते हैं परसेंटेज की, आपकी हाँ इतनी परसेंटेज है, वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग नहीं निकालेंगे, ऑन ऑन एवरेज हम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके डेरिवेशन करने के लिए आपको इसकी नंबर डेंसिटी और जो भी आप डायग्राम में बनाते हो सब आपको लिखना होता है। इसकी नंबर डेंसिटी कितनी है, 10^29 पर मीटर क्यूब। इसकी थर्मल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट कर रहे हैं और वो कितनी है, 10^5। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की कोलाइडिंग विद अदर एटम्स और आयंस एंड द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस कॉल्ड फ्री पाथ। जब तक वो कोलाइड हुआ दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उस पाथ को हम बोलेंगे फ्री, उस टाइम पे वो फ्री था, एंड इट्स एवरेज इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और जो एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार कोलाइड नहीं होगा, पता नहीं कितनी बार कोलाइड होगा, तो उसका जब एवरेज निकालेंगे वो होगा मीन फ्री पाथ। और उस टाइम, जितने टाइम में वो उसने मीन फ्री पाथ को ट्रैवल किया, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, उसका रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस टाइम वो फ्री था, वो किसी से टकराया नहीं था, यानी कितने टाइम वो रिलैक्स था। तो समझ गए ये सारी। अब इसके बाद फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, यहाँ पर दो फोर्स, मतलब फोर्स एक ही लग रहा है बट हम उसको दो फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे। एक तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिलेगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब फोर्स मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको फोर्स मिला, और उस फोर्स से आपको पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्सेलरेशन मिला,
तो हम उल्टा जा रहे हैं, ध्यान से समझो, पहले फोर्स मिला, फोर्स से एक्सीलरेशन मिला, एक्सीलरेशन से ये चार्ज पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, वेलोसिटी, जिस वजह से ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे यानी मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब वेलोसिटी हम इस इन दोनों फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो हमने यही दो फॉर्मूले ले लिए, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, डायरेक्शन की बात हो रही है तो हमने वेक्टर में ले लिया, और एक और फॉर्मूला फोर्स का क्यू इनटू ई, बट क्यू की जगह, चार्ज की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो हमने क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस ई। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे क्योंकि दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले, ये वाला फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कौन सा हो रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन को, ये वाला फोर्स, दोनों को इक्वल पुट कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, माइनस ई ई अपॉन एम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो हम इनकी कोई एक रिलेशन सोचते हैं जिसमें वेलोसिटी आ रहा हो, एक्सेलरेशन आ रहा हो, टाइम भी आ जाए, तो वो रिलेशन हमने नाइन्थ में और इलेवेंथ में क्यों ही है, दैट इज वी टी रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वी वन किसके इक्वल होगा, यू वन प्लस ए टी वन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, हमें एवरेज में सभी के लिए चाहिए होगा, पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला तो हमने ये रिलेशन होनी चाहिए, सेकेंड रिलेशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे तो ये रिलेशन हो सकती है, ऐसे ही थर्ड के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी ही रिलेशन बन जाएगी, लेकिन हमें चाहिए एवरेज, तो हम इन सबका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स ऐड कर दिया आपने, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस गोज टू वी एन अपॉन एन, ऐसे ही ये ऐड कर दी, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस गोज टू यू एन अपॉन एन प्लस ए, और ऐसे ही टी के लिए। तो ये सब हमने कर लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, ध्यान से देखना आपको, जब आप इन सब का एवरेज निकालोगे, ये फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, गोज टू एन अपॉन एन, तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपके पास एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी पूरे इस मेटीरियल के लिए, जिसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, वी डी से। अब उसके बाद ये आपके पास U1 प्लस U2 प्लस U3, और U को हम क्या ज्यूम कर चुके हैं बच्चों, थर्मल वेलोसिटी, और आपको पहले ही बताया है थर्मल वेलोसिटी क्या है, सभी डायरेक्शन में लग रही है, तो कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाएगी, जीरो, तो यहाँ हमने पुट कर दिया जीरो, प्लस ए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस गोज टू Tn अपॉन n। अब T1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का टाइम जिसमें वो रिलैक्स रहा, T2 क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का टाइम जितने में वो रिलैक्स रहा यानी दूसरे से कोलाइड नहीं हुआ, तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो वो भी एक रिलैक्सेशन टाइम आएगा, जिसे हम एवरेज में किससे डिनोट कर रहे हैं, टाउ से। तो BT का फॉर्मूला क्या आ गया, A टाउ, और वेक्टर फॉर्म में A की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो BT का फॉर्मूला, A की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस EE अपॉन n, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये हो गया वेक्टर। बट अगर आप वेक्टर नहीं राइट करना चाहते तो आप वेक्टर के साइन और नेगेटिव साइन हटा दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज ई ई टाउ अपॉन एम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, अगर कोई कमी रह गई हो तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो। Okay, student, that is it for today.